मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बहुत खुशी है कि हम आपके साथ लाइव हैं और हम हिंदी बैठी विषय पर आपसे कुछ कहना चाहेंगे कि आज हिंदी बैठी न सिर्फ हिंदुस्तान में पूरे विश्व में फैल रही है और हिंदी बैठी द्वारा जनता की सेवा विगत 25 वर्षों से अधिक से करते आ रहे हैं। हिंदी बैठी अपने निजी क्लिनिक चलाते हुए जनमानस की सेवा के लिए लगातार हम लोग फ्री कैंप भी दे रहे हैं, जिसके द्वारा असहाय गरीब पीड़ित जनता की भी निःशुल्क में सेवा होती है। जो लोग चिकित्सा पर किसी भी तरह के चिकित्सा कराने में सक्षम नहीं है या मुफ्त में भी सरकारी चिकित्सा जहां मिलती है वहां भी पहुंचने में सक्षम नहीं है, वैसे लोगों का भी हम लोग उनके दरवाजे पर उनके मोहल्ले में जा करके फ्री कैंप के द्वारा लंबे दिनों से 10 वर्ष से अधिक से लगातार प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार को हम उन्हें निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ बहुत सारे बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे आकर के अपने तकलीफ की इलाज करवाते हैं और आज हमें इतनी खुशी हुई है कि आज ईद का त्यौहार है उसके बावजूद कुछ हमारे मुस्लिम पेशेंट जो मुस्लिम परिवार से आते हैं वो अपने त्यौहार के बीच में भी आज निःशुल्क चिकित्सा शिविर में आकर के उन्होंने अपने इलाज लिया। इससे कितनी ये प्रतीत होती है कि मतलब हमारी आवश्यकताओं को कितनी है। और भी बहुत सारे पर्व त्यौहार के दिन भी हम निःशुल्क सेवा करते रहे हैं, उस दिन लोग आते हैं, लेकिन आज एकदम आज की बातें हैं कि आज भी मतलब उस तरह से लोग आए और उन्होंने अपनी सेवा लिया उनसे। इस सेवा के दरमियान या अपने निजी क्लिनिक में होम्योपैथिक चिकित्सा से जो हमने अपने अनुभव किया, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जब अब कोई चिकित्सा नहीं है ना या लाचार स्थिति में है तो होम्योपैथी में जाओ, तो ये अच्छी चीजें नहीं है समाज के लिए। अच्छी चीजें ये है कि आप होम्योपैथी को एक विकल्प के रूप में लें और किसी भी परेशानी के लिए आप पहले होम्योपैथ के पास जाएं। जैसे कभी कभी हमारे पास पेशेंट इस हालत में आते हैं कि वो एम्बुलेंस में लग करके आते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगे होते हैं, जब बड़े बड़े हॉस्पिटल बोल देते हैं कि हम इनको घर ले जाइए सेवा के लिए, तो उस स्थिति में लोग एम्बुलेंस घुमा करके डॉक्टर पीके के आपके क्लिनिक पर पहुंच जाते हैं, लोग स्ट्रेचर पर ला करके पास में रख देते हैं पेशेंट को। और आप देखेंगे हमारी एक वीडियो भी है जो कलावती देवी की है, उसने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की है, उसको स्ट्रेचर पे लाया गया था, वो बोल भी नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, वो किडनी फेलियर की केस थी, साथ ही साथ डायबिटिक थी, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, उनके पूरे पेट में पानी जमा हो गए थे, एसाइटिस थे और बिहार के बड़े हॉस्पिटल से वो रिटर्न होकर के घर पहुंच गई थी। और उस स्थिति में उनके परिजनों ने अन्य लोगों के कहने पर मेरे पास लाए और आज 1.5 साल से लगभग वह जीवित ही नहीं है, हर कुछ खा पी रही हैं, नॉर्मल लाइफ जी रही हैं और सब कुछ अच्छा है, चल रहा है उनका। उस तरह से बहुत सारे केस हमारे लाइफ में आए हैं, कुछ मुझे बहुत खुशी है कि हमारे कुछ ऐसे ही पेशेंट हैं जिनके पास बहुत सारा विकल्प था, वो हर तरह की चिकित्सा ले सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी चिकित्सा को छोड़ करके हमें चूज किया, हमें पसंद किया, हमें विकल्प के तौर पर देखा कि नहीं, मैं डॉक्टर ज्ञान से होम्योपैथी चिकित्सा लूंगा, मैं टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए नहीं जाऊंगा। और आज 3.5 साल से वो पेशेंट पैगाम बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। एक रिटायर्ड DSP हैं जिनको एक बड़े हॉस्पिटल ने बतला दिया था कि इनके स्पाइन में भी कैंसर है और पूरे बॉडी में डिस्प्रेड कर गई है, लेकिन आज 3.5 साल से वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और उनकी इलाज चली और आज किसी तरह की उनकी कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह से बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के केस वेस्ट बंगाल से आते हैं, असम से आते हैं, झारखंड से आते हैं, यूपी से आते हैं, दिल्ली से आते हैं लोग, कुछ ऐसे ऐसे बीमारियों के लिए आते हैं जहाँ की अन्य चिकित्सा पद्धति से वो थक हार चुके होते हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, या तो डायलिसिस पे केस है या ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दी गई है, सेम लॉर्ड से आते हैं सर हमको वहाँ तो ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया, फिर भी उन केस को जब हम इलाज किए हैं तो उनकी डायलिसिस भी बंद हो गई और आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वैसे बहुत सारे हमारे केस हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो वीडियो के द्वारा लोग दिखलाए हैं या बहुत सारे मीडिया वाले
इंडिया टुडे में आउटलुक में उसको पब्लिश भी किए हमारे बहुत सारे केस को। हम चाहेंगे लोगों से यह कहना चाहते हैं कि आप होम्योपैथ को विकल्प के रूप में लें, ये नहीं कि आप लास्ट स्थिति में जब कफन उठाने की वक्त हो तब आप होम्योपैथ के दरवाजे पर आए, ऐसा ना करें। उसके पहले आप एक बार होम्योपैथी को मौका दें, जैसे आपको कुछ पता चलता है अनएक्सपेक्टेड है, कुछ बड़ी बीमारी हो रही है, किडनी में परेशानी आ रही है, लीवर में परेशानी आ रही है, लीवर एब्सेस है, लीवर सिरोसिस की स्टार्टिंग है, उसी समय होम्योपैथी चिकित्सा लें, ये नहीं कि अब लास्ट कंडीशन तक आप इंतजार करें। तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, समाज को बहुत लाभ मिलेगा, और एज ह्यूमन बीइंग मानवीय मूल्य को देखते हुए हम लोग लगातार वैसे लोगों का भी इलाज कर रहे हैं जो बिल्कुल आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि वो क्लिनिक तक आने का भी खर्च उठाने की स्थिति में नहीं है, वैसे लोगों का भी हम लोग निःशुल्क चिकित्सा का व्यवस्था कर रखा है और उनका हम लगातार सेवा दे रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं। Thank you.